नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बता दें आपको कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में नामांकन करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। अब वैसे बच्चों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि किस तरीके से बिहार के सरकारी स्कूलों से 5 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया था और अब जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। जी हां, आपको हम बता दें कि अभी 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब यह मैट्रिक और इंटर का परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर समेत सूबे में 20,87,063 बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं। सूबे में पहली से 12वीं कक्षा तक के ये बच्चे जांच में लगातार अनुपस्थित पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर समेत 4 जिले में सबसे अधिक नामांकन रद्द किए गए हैं। इन 4 जिलों में 1 लाख से अधिक बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं। तो वहीं 9वीं से 12वीं में 12 लाख से अधिक बच्चों का सूबे में नाम काटा गया है। इन बच्चों के मैट्रिक इंटर परीक्षा में शामिल होने पर ग्रहण लग गया है। बता दें आपको कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इसे लेकर सभी जिलों के DEO को निर्देश दिया है। जिला समेत राज्य के विद्यालयों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी विद्यालय से लगातार अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। जिलावार नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों की सूची विभाग की ओर से जारी की गई है। जिन विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया है उनमें से कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2,66,564 है। इनकी मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने पर संशय है। बताते चले आपको कि शिक्षा विभाग के निदेशक ने निर्देश दिया कि जिन विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया जा चुका है उन्हें जिलावार चिन्हित करते हुए वर्ष 2024 की वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जाने वाली सेटअप परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों को वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल नहीं करने की भी कार्रवाई हो। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आदेश जारी किया था कि स्कूलों से 3 दिन गायब रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को पहले नोटिस दिया जाए। वहीं लगातार 15 दिनों तक लगातार गायब रहने पर बच्चों का नामांकन रद्द किया जाए। साथ ही छात्रों की ट्रैकिंग की भी बात कही थी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने। और उस दरमियान 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया गया था और अब निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं पहुंचते हैं जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक से एक फरमान जारी कर रहे हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सके और इस दौरान 20 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हर संभव प्रयास कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का, वो ठीक है या नहीं, आपके नज़रिए से क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।